केरल से अगली खबर, वायनाड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जमीन खिसकने से हुआ हादसा और 151 लोगों की मौत हो गई है। अब तक मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सेना के साथ SDRF और NDRF की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। सेना ने अब तक करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू किया है। तो वायनाड में आई इस आपदा में अब मरने वालों की संख्या 151 हो गई है। कुदरत के कोप से कांप उठा केरल, पहाड़ से आई तबाही वाली लहर, लैंडस्लाइड से थर्राया वायनाड शहर। ये प्रकृति के प्रहार की वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों ने देखते ही देखते वायनाड के मेपाड़ी का नक्शा तबाह कर दिया। अभी लोग ठीक से सोकर उठे भी नहीं थे कि भारी बारिश के बाद पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों ने बर्बादी का सायरन बजाना शुरू कर दिया। आसमानी आफत की वजह से हुए जबरदस्त लैंडस्लाइड ने कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ तहस नहस कर दिया। पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों के सामने जो पड़ा, ये लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले गई। डायरेक्टेड reach there for immediate this rescue actions. They already moved and from Kerala and outside Kerala, South India, these all forces are alerted. And I think the NDRF team from other state also moved already. And Air Force might have reached there now. And Navy and Army also reaching there. कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सैलाब ने पूरे इलाके को घेर लिया। न सैलाब की जद में आने वाले इंसान बचे और न इंसानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत। एक झटके में सैलाब और लैंडस्लाइड ने सब कुछ लील लिया। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदरत के इस रौद्र रूप पर अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। वायनाड के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं। उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावितों की सहायता के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरल के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पहाड़ से उतरी ये खतरनाक लहरें अपने साथ कई गाड़ियों को भी तिनके की तरह बहा कर ले गईं। आनन फानन में राहत और बचाव के लिए टीमों को लगाना पड़ा, लेकिन इस भयानक तबाही के बीच डैमेज कंट्रोल करना हरगिज आसान नहीं था। लेकिन जितना हो सकता था उतनी मदद लोगों तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश की गई। इस दौरान सैलाब के बीच में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। Your heart goes out to all those families and what I have been told is that the actual place of landslide, so far our teams have not been able to reach there because of heavy rain. And because the river has changed its course, so your heart goes out to them, and you can only pray to God to help in this situation. At this point of time, the government of Kerala is trying its level best to reach out to people and save the people, and whatever possible from the part of the state government, they are trying to do it. लेकिन सवाल ये कि क्या ये तबाही यहीं रुकेगी? क्योंकि मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पथनमथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम, एनारकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ बारिश इतना तेज है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत दिक्कत हो रहा है। मोर सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को बचाए इस लैंडस्लाइड से, और ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस ये दोनों सरकार के द्वारा उन परिवारों को मिल सके। वायनाड में आए सैलाब के बाद रेल यातायात पर जबरदस्त असर पड़ा है, जिस वजह से ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं और नुकसान का आकलन कर रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, वो यही साबित कर रही हैं कि अभी इस कुदरती आपदा से निपटने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है।